नमस्कार, आप देख रहे हैं TV45 और आज झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और वहां पे लगातार खूंटी में पहुंच चुके हैं और खूंटी में कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है। जनजाति के पास सबसे बड़ा ज्ञान परंपरा का जो भंडार है, जैसे मैंने कहा कि भारत की हस्तकला, धातुकला, मेटलर्जी उसमें तो है ही, क्योंकि सारी सारी लगभग भारत की जो खाने हैं, चाहे वो लो हो चाहे कोयला हो, तो वो सारी जनजातीय क्षेत्रों में ही है। तो केवल मिट्टी सूंघकर इसमें कौन से जो मिनरल्स है वो होने की संभावना है, ये आज भी वहां की महिलाएं बता सकती है। दूसरा, एक बहुत बड़ा हिस्सा इसका जो है पूर्वोत्तर में, मैंने खुद इसका अनुभव लिया है, बस्तर में मैंने पत्रकार के नाते इसका अनुभव लिया है कि जिस तरीके की भारत के वनस्पतियों की, जड़ी बूटियों की, हेल्थ प्रोडक्ट्स की, मेडिकल से जुड़े हुए उत्पादों की समझ इनके पास है। अब धीरे धीरे हमको ये प्रयास करना होगा कि जो भारत का जो एक माइंडसेट बन गया है कि जो पश्चिम के मानकों पर निकला हुआ ज्ञान ही सही में ज्ञान है, पश्चिम के मानकों ने दिया हुआ दवाई और उसका जो कॉन्फिगरेशन है वही सही मायने में दवाई है। इस मानसिकता से निकलते हुए बहुत बहुत कोविड के बाद इस पे बहुत बड़े पैमाने पर ये प्रक्रिया शुरू हुई है। ऑर्गेनिक की बात होती है, ये तो मतलब प्रकृति के साथ ही जीने वाले लोग हैं, ये तो कभी फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स यूज करते ही नहीं है। तो ये ऑर्गेनिक लिविंग होता क्या है, और ऑर्गेनिक लिविंग मैं कह रहा हूँ, केवल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स नहीं कह रहा हूँ, ऑर्गेनिक लिविंग मतलब प्रकृति के साथ जीना, प्रकृति के नियमों को समझते हुए उसके अनुसार अपना जीवन डालना। जी, तो झारखंड के लिए हम कह सकते हैं ना सिर्फ खनिज संपदा बल्कि कला संस्कृति से भी लबरेज ये राज्य है, जो कहीं ना कहीं अगर जनजातीय क्षेत्रों की बात की जाए जो अभी तक मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाते थे। और अब आइए आपको सीधा ले चलते हैं खूंटी झारखंड। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन इस मंच पर हो चुका है। करतल ध्वनि की गूंज आपके सबकी आनी चाहिए, ऊर्जा से भरी हुई, तालियों के साथ आइए अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। जोश के साथ, उल्लास के साथ देश के कोने कोने तक ये आवाज पहुंच रही है आप सबकी। भगवान बिरसा मुंडा की पावन जन्मस्थली पर आज जनजातीय गौरव दिवस के इस विशाल आयोजन में पधारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जोहार आपकी तालियों के साथ देवियों सज्जनों, करतल ध्वनि के साथ। देश की आजादी के बाद पहली बार देश के प्रधानमंत्री का आगमन धरती आबा की जन्मस्थली उलिहातू में हुआ है। आज एक इतिहास बना है। देश में जनजातीय गौरव की फिर से स्थापना करने वाले, देश के आदिवासियों की सुख समृद्धि, शिक्षा और स्वास्थ्य के रूप में उनके समग्र विकास को संकल्पित माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन से आज यहाँ का जन जन आनंदित है, गौरवान्वित है और सम्मानित भी है, क्योंकि आज वो इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी है। एक बार पुनः जोहार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। आज इस अवसर पर मंच पर गरिमामय उपस्थिति है झारखंड के माननीय राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी की, साथ ही केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी, पद्म भूषण से अलंकृत आदरणीय खरिया मुंडा जी, झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी, माननीय विधायक श्री कोचे मुंडा जी, नीलकंठ सिंह मुंडा जी और विकास मुंडा, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। देश में लगभग 200 स्थलों पर आज विकसित भारत संकल्प के साथ जो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं उनमें उपस्थित सभी माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्रीगण, केंद्रीय और राज्य सरकारों के माननीय मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण, और वहां उपस्थित देशभर में 200 स्थलों पर उपस्थित विशाल जन समुदाय का भी हम यहां खूंटी झारखंड से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। देवियों सज्जनों, आज
माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन हम सबके लिए गौरव की बात है। मैं निवेदन करूंगा माननीय राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का यहाँ पर स्वागत करें, उन्हें पारंपरिक शॉल भेंट करके उनका अभिनंदन करें माननीय राज्यपाल महोदय, और हम सब उसमें शामिल होंगे अपनी करतल ध्वनि के साथ, और साथ ही धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की एक प्रतिमा भी उन्हें प्रधानमंत्री महोदय को राज्यपाल महोदय भेंट करेंगे। तालियों की गूंज आपकी आनी चाहिए मंच तक और दूर दूर तक रेडियो से सुनो। बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। अब मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी से कि वे समस्त जनजातीय समाज की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को सरना चेन शॉल, हमारी अपनी पहचान भी है, हमारी जनजातीय परंपराओं का सुंदर रूप है, वो सरना चेन शॉल भेंट करके उनका स्वागत करें, और साथ ही सबई ग्रास से बनने वाली हमारी पारंपरिक जो जनजातीय हैट है वो भी प्रधानमंत्री महोदय को भेंट करेंगे। ये सरना चेन शॉल, तालियों की आवाज आपकी मंच तक जरूर आनी चाहिए और दूर दूर तक आनी चाहिए, और सबई ग्रास से बनने वाली हमारी पारंपरिक हैट हमारे अपने जनजातीय समुदायों परंपराओं का बड़ा सुंदर रूप है। माननीय मंत्री महोदय, भगवान बिरसा मुंडा जी का एक सुंदर चित्र जो है वो भेंट करेंगे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को। हम सबकी प्रेरणा आज जिनकी जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में जिसे हम मनाते हैं, साथ ही छत्तीसगढ़ के डोकरा आर्ट की एक सुंदर कलाकृति भी माननीय मंत्री महोदय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट करेंगे। गाय और बछड़े का यह सुंदर रूप है, वात्सल्य का बड़ा सुंदर भाव है इसमें, आपकी तालियों के साथ इस बात में भी आपकी आप शामिल हो। मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग एक सुंदर रूप होता है हमारी जनजातीय कला का, और यही गोंड पेंटिंग माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट कर रहे हैं। माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय, तालियों की गूंज आपकी बार बार इस मंच तक जरूर आनी चाहिए, और साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों के हमारे जो जनजातीय उत्पाद हैं उनका ऑर्गेनिक हैम्पर, ये हमारे बंधन केंद्रों के सुंदर प्राकृतिक उत्पाद, वे भी प्रधानमंत्री महोदय को मंत्री महोदय भेंट कर रहे हैं। और अब मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से कि वे झारखंड प्रदेश की ओर से माननीय प्रधानमंत्री महोदय को एक शॉल भेंट करके आप सबकी करतल ध्वनि के साथ उनका वंदन और अभिनंदन करेंगे। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, तालियों के गूंज के साथ ये माननीय प्रधानमंत्री महोदय का यहाँ पर अभिनंदन हो रहा है, और भगवान बिरसा मुंडा की एक प्रतिमा भी यहाँ पर भेंट करेंगे, और एक बड़ा सुंदर कला का रूप है रंग बिरंगे बटन से बना यह सुंदर चित्र भगवान बिरसा मुंडा का, मुख्यमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट कर रहे हैं। आपके करतल ध्वनि के साथ इस अभिनंदन और वंदन में हम सबकी सहभागिता हो, इस रूप में हम सभी शामिल हो। वंदन अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, जोहार धरती आबा की इस पावन धरा पर देवियों सज्जनों। और अब मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का और आप सबका स्वागत करने के लिए पधारें स्वागत संबोधन के साथ। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मभूमि कर्मभूमि वीर भूमि में आज माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित राज्य के महामहिम राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, भारत सरकार में राज्य मंत्री शिक्षा श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, हम सब के पथ प्रदर्शक पद्म भूषण मान्यवर कड़िया मुंडा जी, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री मान्यवर बाबूलाल मरांडी जी, मंच पर उपस्थित माननीय विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा जी,
माननीय विधायक कोचे मुंडा जी, माननीय विधायक विकास सिंह मुंडा जी और यहां उपस्थित दूर दराज गांव से पधारे हुए इस आयोजन में माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों खूंटी और राज्यवासियों, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। वास्तव में आज का दिन, जिस दिन को माननीय प्रधानमंत्री जी ने पाथे देकर कि देश के ऐसे माटी के लाल धरती आबा बिरसा मुंडा के जन्मदिन को हम सब देशवासी और खासकर देश के जनजाति समुदाय, आदिवासी समुदाय गौरव के साथ इस दिन को मनाएं, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में। और आज 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर हम देशवासी जनजाति गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि जिस पाथे के साथ देशवासी और ऐसे जनजाति हीरोज, जनजाति वीरों, जनजाति रणबांकुरों, जिन्होंने आजादी के लिए अपने जीवन को आहुति दी है, बलिदान दिया है, वैसे लोगों के लिए ये दिन चिन्हित करते हुए भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर देश और दुनिया मना रही। ऐसे समय में हम सब झारखंडवासी, देश के तमाम जनजाति इस बात से आह्लादित है कि देश के इतिहास में ये पहला अवसर है कि देश के प्रधानमंत्री ऐसे देश के लिए आहुति देने वाले भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू पहुंचने वाले प्रथम प्रधानमंत्री हैं। जनजाति गौरव दिवस के रूप में इस तिथि का आयोजन जो इतिहास का नया अध्याय बना, वहीं आज आपके आने से अध्याय में एक और नया अध्याय जुड़ा, नए इतिहास के रूप में जुड़ रहा है। इसलिए मैं पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर पूरे देश में इस मिट्टी से सुगंध के रूप में फैले ऐसा अभियान के साथ इस समय देश के अधिकांश राज्यों के महामहिम राज्यपाल जुड़े हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्रीगण जुड़े हुए हैं, 68 जिला में कई मंत्री भारत सरकार के, राज्य सरकारों के, यानी पूरा देश आज खूंटी में भगवान बिरसा मुंडा की धरती से जुड़ा हुआ है। और इस आयोजन में आज यहां से एक नई यात्रा का शुभारंभ हो रहा है, विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिसके माध्यम से गांव-गांव, कस्बे, टोले, मोहल्ले तक लोगों के पास जागरूकता पैदा करते हुए स्वच्छता, आवश्यक सुविधाएं, वित्तीय सेवाएं, बिजली का कनेक्शन, एलपीजी सिलेंडर, गरीब के ऐसे कल्याणकारी तमाम योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचे, जनता को मिले और सैचुरेशन मोड के साथ ग्राम्य विकास के माध्यम से देश का विकास हो और विकसित भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना है वो हमारी पूरी हो। तो यह खूंटी की धरती इस बात के लिए भी धन्य है और आप धन्य हैं जो इस भूमि से इस तरह की योजना प्रारंभ कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने इसके साथ साथ ही एक
ऐसी योजना की पहल की है जो अभूतपूर्व है, जिस योजना को आप हम सब इस बात के लिए कभी इतना ध्यान नहीं दे पाते थे। 75 ऐसे समूह है जो आदिवासी में से सबसे पिछड़े यानी आदिम तरीके से सुदूरवर्ती क्षेत्र अंडमान निकोबार से लेकर इस पूरे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 22,500 गांव, 22,500 गांव के लिए, 22,500 गांव के लिए एक नई योजना का सूत्रण हो रहा है। जनमन, जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसके माध्यम से उन गांव में उन सारी सुविधाओं को स्पेशल विशेष तरीके से पहुंचाने का लक्ष्य लेकर इसी मिट्टी से आज शुरू हो रहा है 24,000 करोड़ की जनमन यानी जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। इसके पहले और कई तरह की योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री जनजाति मंत्रालय ने प्रारंभ किया है। हेल्थ की योजना, आरोग्य जन आरोग्य योजना, जिसमें जो सिकिल सेल की समस्या है उसको समूल नष्ट करने का, समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है कि 2047 में जब भारत 100 साल मनाएगा, इस देश से यह जो बीमारी है समूल नष्ट होगा, यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है कि इस तरह का लक्ष्य लेकर कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है और उसका बहुत अच्छा परिणाम दिखाई दे रहा है। मैं इस बात के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस आयोजन के लिए उन्होंने एक दिन पहले यानी 14 नवंबर को झारखंड पधारने का काम किया। झारखंड में उन्होंने 14 नवंबर को पधारकर जो देश भर में संग्रहालय बनाए जा रहे हैं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों का, उसमें भगवान बिरसा मुंडा का संग्रहालय रांची में बनाया गया है। उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं संग्रहालय में भी अपने वीर सपूतों को, जिसमें झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में अंग्रेजों के कार्यकाल में जो लड़ाई लड़ने वाले वीर थे, सारे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उलिहातु में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थल पर पहुंचे। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जनजाति क्षेत्रों, जनजाति भाइयों और जनजातीय ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी का दृष्टिकोण, दृष्टि और आने वाले दिनों में दूरदर्शी के साथ उन क्षेत्रों में, उन समुदायों में विकास का कैसे कार्य आगे बढ़े। लगातार विभिन्न आयोजनों में परंपरागत व्यवस्था के साथ हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी उदाहरण के साथ देते हैं, कहते हैं कि आज यदि पर्यावरण का संकट है तो हमें समझना चाहिए वैसे लोग जो आदिकाल से अपने परंपराओं के साथ पर्यावरण के साथ जुड़कर सहचर तरीके से अपना जीवन पद्धति को आगे बढ़ाते हुए अपने पहचान को बरकरार रखे हैं, उनके जीवन चरित्र को समझ करके यदि हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे तो उस समस्या का समाधान हम ढूंढ पाएंगे। तो ऐसे सोच के साथ जनजातीय मंत्रालय वनाधिकार पर काम कर रहा है ताकि जो वनाधिकार का मूल अवधारणा है वो पूरी हो और गांव सहचर व्यवस्था के साथ आगे बढ़े। ट्राइफेड के माध्यम से वनोपज को सही मूल्य मिले। पहले 2014 के पहले सिर्फ 15 ऐसे वनोपज को सपोर्ट प्राइस मिलता था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 के बाद आज 81 वनोपज को सपोर्ट प्राइस दिया जाता है। इस तरह का निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और ट्राइफेड के माध्यम से बंधन कार्य अभी स्टॉल देख करके आ रहे हैं। बंधन के माध्यम से देश भर में हमारी महिला सशक्तिकरण का, गांव के समावेशी विकास का
योजना को रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। 2014 के पहले इस मंत्रालय का बजट मात्र 4,295 करोड़ था, वहीं 2023-24 में इस समय 12,461 करोड़ जहां है, वहीं जनजातीय घटक के रूप में 2014 के पहले 24,000 करोड़ था, आज 1,19,000 करोड़ इन क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। मैं इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आकांक्षी जिला और आकांक्षी प्रखंड के माध्यम से सेचुरेशन मोड में ग्राम्य विकास हो, इसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वहीं जनजातीय गांव में से 36,000 गांवों को सिलेक्ट किया गया है आदि आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से, जिससे कि उन गांवों को समग्र रूप से विकसित करते हुए आदि आदर्श ग्राम मॉडल विलेज के रूप में परंपरागत ढंग से आगे बढ़ाने का काम हो। तो इस तरीके से लगातार भारत सरकार के माध्यम से जनजाति मंत्रालय और इसके साथ आज यहाँ पर जिन योजनाओं का शुभारंभ होने जा रहा है, 12 ऐसे मंत्रालय जो इस समय इस अभियान के लिए जुड़े हुए स्पेशल फोकस के साथ, ताकि ये 24,000 करोड़ के लागत से जो हम कहते हैं सबसे पीछे के पंक्ति में बैठे हुए लोगों को विकास के किरणों के साथ सही तरीके से जोड़ने का लक्ष्य को पूरा करने के दृष्टि से यह अभियान आज से प्रारंभ होगा या लॉन्चिंग होगा। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी कई ऐसे कार्यक्रम, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का आज 2014 के पहले और आज 740 एकलव्य मॉडल स्कूल ब्लॉक लेवल में, पहले 280 विद्यार्थियों के लिए, 40 विद्यार्थियों के लिए, अभी 480 विद्यार्थियों के लिए ब्लॉक लेवल में विद्यालय खोले जा रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा उनके लिए क्वालिटी एजुकेशन, हम ऐसे न छोड़ दे कि विद्यालय खोल दिए हैं, बल्कि उनके क्वालिटी एजुकेशन गुणवत्ता के साथ अच्छी शिक्षा, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो तैयार हो सके। पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मंत्री परिषद ने ऐतिहासिक फैसला करते हुए 38,000 शिक्षकों की बहाली करने का स्वीकृति माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। तो शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, आत्मनिर्भरशीलता में, परंपरागत व्यवस्था में, वनों के साथ जुड़ करके जो जीवन पद्धति है उसमें, उनके संवैधानिक अधिकारों में, हमेशा प्रधानमंत्री पूरे देश के अंदर सभी लोगों को जोड़ते हुए इस तरह के अभियान को प्रारंभ करने का मार्गदर्शन देते हैं। और आज जो कार्यक्रम यहाँ पर इस धरती से प्रारंभ हो रहा है वो ऐतिहासिक कार्यक्रम, मैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत आभार माननीय श्री अर्जुन मुंडा जी का। देवी सज्जनों, आज के इस कार्यक्रम में मंच पर गरिमामय उपस्थिति है झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारे। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी। आज झारखंड के इस वीर भूमि पर धरती आवा के इस भूमि पर और झारखंड के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आज हमारे राज्य में आए हुए आज इस महत्वपूर्ण दिन में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं और समय भी बहुत संक्षिप्त है,
प्रधानमंत्री जी को आगे भी जाना है और यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय सम्मानित अतिथिगण, संक्षिप्त में बातों को रखना चाहूंगा। और चूंकि झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है और मैं भी उसी समाज से भी आता हूं, मुझे गर्व है आदिवासी होने का। और आज आपने पूरे देश को आज इस कार्यक्रम से जोड़ा है। निश्चित रूप से भगवान बिरसा मुंडा इस राज्य का ही नहीं पूरे देश के ही भगवान आदिवासियों के हैं और वैसे भी पूरा झारखंड वीरों की धरती रही है, चाहे वो भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कान्हू हो, चांद भैरव हो, फूलो जानो हो, तेलंगाना खड़िया हो। और आपने इसकी एक झलक हमारे बिरसा म्यूजियम में देखा भी। और निश्चित रूप से आदिवासी समाज सदियों से अपनी हक अधिकार की लड़ाई लड़ता रहा है, चाहे वो अंग्रेजों से हो, चाहे वो महाजनों से हो, आखिरी व्यक्ति तक फांसी में लटकने के लिए तैयार रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, इतिहासकारों ने आज तक हम आदिवासियों को उचित जगह नहीं दिया। आज यहां से प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए विशेष योजना की घोषणा हुई है, वो हमारे समाज के सबसे अत्यंत पिछड़े आदिवासी हैं। और निश्चित रूप से ये हम सबों के लिए एक चुनौती है, अगर उस वो प्रिमिटिव नहीं बचा तो अगली बार निश्चित रूप से हम प्रिमिटिव ट्राइब्स में आ जाएंगे। और बहुत विचित्र बात है, आज हम जहां चांद की ओर बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, पहुंच चुके हैं, वहीं आज समाज के अंदर आदिवासी, प्रिमिटिव ट्राइब्स, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, स्वर्ण जाति, अत्यंत गरीब स्वर्ण जाति, इस तरीके के जो अंतर दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि आज के इस युग में भी इस अंतर को पढ़ जाना चाहिए था। मैं एक आदिवासी राज का नेतृत्व कर रहा हूं और आज जहां हम विकास के लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति की बात करते हैं, मुझे लगा कि आज भी ये बात सिर्फ अखबारों में और कागजों में ही दिखती है, लेकिन हम लोगों ने यह प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से, सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। आप यहां आए और हमें बहुत और पूरी आशा है कि आज ये आदिवासी विकास के जो लक्ष्य हैं, इसको हम राज्यों में, चाहे झारखंड हो, चाहे पूरा देश हो, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और निश्चित रूप से जिस तरीके से आज इस कार्यक्रम को लेके पूरे देश को आपने जोड़ा है, और ये निश्चित रूप से आज का ये आपका जो संदेश होगा, ये आदिवासियों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो और झारखंड प्रदेश भी इसमें और बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले सके। प्रधानमंत्री जी, झारखंड कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण
चीजों को लेकर आगे बढ़ा है, चाहे खनिज संपदा को लेकर हो, चाहे खिलाड़ियों के को लेकर हो, चाहे और किसी अन्य विषय को लेकर हो। प्रधानमंत्री जी, हम ये आग्रह करना चाहेंगे कि यहां पर बड़े पैमाने पर आदिवासी जो जंगलों में बसते हैं, वो बड़े पैमाने पर विस्थापित का भी दंश झेलना पड़ता है। खनिज संपदाओं को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर आज से नहीं 100 सालों से इनका विस्थापन होता रहा है। मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि इस क्षेत्र में भी बसने वाले जो लोग हैं उनके प्रति भी कोई विशेष ऐसी कार्य योजना तैयार की जाए, जहां हमारे आदिवासी भाई अपने जल जंगल जमीन के साथ अपने आप को समग्र विकास की कड़ियों में जोड़ सके। हम और ज़्यादा विशेष नहीं करना चाहेंगे, आज आपको सुनने के लिए यहाँ हम लोग एकत्रित हुए हैं और निश्चित रूप से आज उली हाथों में आज पहली बार आप आए हैं। हम लोग तो कई बार आ चुके हैं और इसी आशा उम्मीद के साथ कि कोई इस समाज को आगे मुख्यधारा की ओर जोड़ेगा, और आपने ये पहला प्रयास किया है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।